हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्थ सेट 2022 स्पेशल वीडियो बेस एमसीक्यू, जिसमें हर एक एमसीक्यू में आपका स्किल भी इंप्रूव होगा, वीडियो को देख के आपको डिटेक्ट करने की स्किल भी आपकी इंप्रूव होगी, बेसिक आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, एनक्लेक्स के एमसीक्यू में बहुत अच्छे से आपने पार्टिसिपेट किया। मैंने कहा था कि आपसे मैं इमेज और वीडियो बेस का सेशन भी लगातार चलाता रहूंगा, और ये वीडियो बेस लेक्चर का 9th लेक्चर, इससे पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद में इमेज बेस एमसीक्यू भी लेके आने वाला हूं बच्चों, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का नॉलेज और बूस्ट करने के लिए हर एक एंगल से, जिस वे से आपको इंप्रूव करवाया जा सके, वो वे JINC अप्लाई करता है बच्चों। तो आई होप कि आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जहां पर आपको वीडियो देखना होगा, वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आपको आंसर देना होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कहीं ना कहीं आप इस आज के सेशन के बाद अपने आप को और कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इंपॉर्टेंट सेशन को सबसे ज्यादा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये नॉलेजेबल क्लास उन बच्चों तक भी पहुंच पाए। तो हमेशा की तरह आज का सेशन कैरी ऑन करने से पहले, अपने जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। अपने जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी भी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, तो कुछ ऐसा कर गुजरे कि दुनिया आपको सलाम करे, दुनिया आपको याद करे। और जब भी कोई इंसान परिस्थिति में फंसता है, तो एक बार वो आपकी मेहनत को याद करके चेहरे पे स्माइल लेके आ जाए। मैं इसी तरह की उम्मीद आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से करता हूं बच्चों। ओके फाइन, आज के इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन करें, जहां पर एक एक वीडियो और वीडियो के बाद एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट यू कैन सी एवरीवन। और आज के सेशन का पहला एमसीक्यू आपके सामने, हियर यू कैन सी, इस वीडियो को ध्यान से देखना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। सी एवरीवन, फाइंड आउट इट व्हाट द कंडीशन विल इंडिकेटिंग। एक बेबी है जिसका ये नॉर्मल हेड है, फिर हेड का साइज वेरी हो रहा है। आपको फोकस करना, मैं आपके सामने ऑप्शन पुट करूंगा बच्चों, आपको फोकस करना है। हियर यू कैन सी, मैंने लिखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बर्थ डिफेक्ट। क्या हम इसको एनसेफेली बोलते हैं, क्या हम इसको माइक्रोसिफेली बोल सकते हैं, क्या हम इसको मैक्रोसिफेली बोल सकते हैं, या मेरे बच्चों हम इसको हाइड्रनसिफेली बोल सकते हैं। चार ऑप्शन है आपको, एक फाइंड आउट करना बच्चों, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना। थैंक यू JINCN यादव संगीत, क्विक आंसर पुट करेगा, या हेड की साइज में वेरी हो रहा है, हेड की साइज में वेरी हो रहा है, और या मैंने कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज के बारे में पूछा। चार ऑप्शन आपके सामने, चारों ही कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज है, चारों ही कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज है। फाइंड आउट इन ईच एंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। डिफिकल्ट है, आंसर गलत आ रहा है आपका, डेफिनेटली आपका आंसर गलत आ रहा है, बट आई विल ट्राई टू पुट द राइट आंसर। पहला ऑप्शन, पहला आंसर आज का, जो मैक्सिमम बच्चों ने गलत पुट किया है, ओके फाइन, आई विल पुट द ऑप्शन माइक्रोसिफेली, दैट इज द बी इज द राइट आंसर, मैं हर एक टर्म्स के बारे में आपको बताने वाला बच्चों, माइक्रोसिफेली इज अ नियोनेटल मालफॉर्मेशन डिफाइंड एज अ हेड साइज मच स्मॉलर कंपेयर विद द अदर बेबीज ऑफ द सेम एज ग्रुप। मतलब यदि बच्चा जो है वो दैट वी कैन से वन मंथ का है, सपोज बच्चा जो है वन मंथ का है, और वन मंथ के बेबी का हेड का सर्कमफेरेंस सपोज उसको 40 सेंटीमीटर मिला, और वही इस बच्चे का जो होगा वो 30 सेंटीमीटर मिलेगा। मतलब सीधा कि हेड की जो साइज होगी इस बच्चे की नॉर्मल बेबी के कंपैरिजन काफी स्मॉल होगा। इसको माइक्रो वर्ड कहीं पर भी आता है तो हमेशा याद रखना स्मॉल, और मैक्रो वर्ड कहीं पर भी आता है बच्चों तो याद रखना लार्ज। क्या याद रखना? लार्ज। तो सिंपली यदि आपको मैक्रोसिफेली पूछते, तो आपको यहां लिखना था एनलार्जमेंट ऑफ द हेड ऑफ द बेबी। आपके बेबी का हेड एनलार्ज होने को मैक्रोसिफेली बोलते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हेड की साइज को छोटा होने को माइक्रोसिफेली बोलते हैं। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन। एक और बात का ध्यान रखना,
देखिए हाइड्रेंसिफेली में सीएसएफ जो होता है, सीएसएफ का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन, ध्यान से देखना बच्चों, सीएसएफ का एबनॉर्मल एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है। कहाँ एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होगा बच्चों? ये होगा इंट्राक्रेनियल स्पेस। कहाँ होगा? इंट्राक्रेनियल स्पेस में होगा। और दैट कंडीशन वी कैन से हाइड्रेंसेफेली, हाइड्रेंसेफेली माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दूसरा एनसेफेली का मतलब है समथिंग अब्सेंस, याद रखना समथिंग अब्सेंस। ये बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर लिखा था जो गलत है। आई विल शो द पिक्चर, आई विल शो द पिक्चर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एनसेफेली वर्ड जो लिखा हुआ है, एनसेफेली जो वर्ड लिखा है, हियर यू कैन सी समथिंग गोइंग टू बी अब्सेंट। एनसेफेली बर्थ डिफेक्ट इन विच बेबी इज बॉर्न विदाउट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्कल। बच्चा जब बॉर्न होगा तो उसका ब्रेन का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो होगा, जैसे नॉर्मली ब्रेन का ये शेप होना चाहिए, बट यहाँ शेप कैसा हो जाएगा? ये शेप हो जाएगा। ये जो एरिया है ब्रेन का, ये अब्सेंट होगा, ये अब्सेंट होगा। दैट कंडीशन वी कैन से एनसेफेली माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब समझ में आया सभी को? माइक्रोसिफेली, मैक्रोसिफेली, हाइड्रेंसिफेली, एनसेफेली, ये मैंने डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पर आपके सामने पुट किया। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चों को ये अब परमानेंट याद हो जाएगा। मैक्रो लार्ज, माइक्रो स्मॉल, हाइड्रेंसिफेली वाटर का एक्यूमुलेशन, और दैट इज एनसेफेली। ए वर्ड कहीं पर भी आता है, दैट इज अब्सेंट, दैट इज अब्सेंट, लाइक एन यूरिया, लाइक एपनिया, दैट विल बी इंडिकेटिंग अब्सेंट। तो यहां पर एनसेफेलोपैथी, दैट वी कैन से बर्थ डिफेक्ट और वी कैन से अब्सेंस। तो बच्चों एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का सेशन बहुत खूबसूरत होने वाला है और आपके एक एक स्किल को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो करें धमाका शेयर लाइक और सब्सक्रिप्शन, ताकि हम एक नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ सकें। और मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बनोगे नर्सिंग ऑफिसर माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? से यस, हर हाल में बनेंगे सर। नॉरसेट 2022 आपके सामने है। जल्दी ही आप सभी फ्यूचर नर्सिंग के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट भी होने वाला है कि कैसे आपको अपनी जर्नी तक लेके जाऊंगा, अगले 5 महीने का रास्ता कैसे आपको तय करना है। मैं मिलूंगा एक बड़े मैराथन इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ, जहां पूरी तरीके से आपको एक फ्रेम में डालूंगा और फिर उसके बाद सिर्फ आपकी नजर, दिल, दिमाग और आपकी बॉडी सिर्फ नॉर्थ सेट की टूवर्ड्स होगी बच्चों। बस आप इस सेशन को एंजॉय करिएगा, नया सीखने की कोशिश करिएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहना चाहता है? एक और वीडियो मैंने आपके सामने पुट किया है। यहाँ बेबी के माउथ में कुछ एक डिवाइस पुट किया, ध्यान से देखिएगा, बच्चे के माउथ में कुछ डिवाइस पुट किया है। बेबी इज ट्राई टू सक आउट, बेबी इज ट्राई टू सक आउट, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आपको इमेज को देखना है, ऑप्शन का वेट करना, जल्दीबाजी नहीं करना। हर एक इमेज नया होगा, हर एक इमेज आपको कुछ सिखा के जाएगा। बेबी इज लाइट डाउन ऑन सुपाइन पोजिशन व्हेन अ बेबी सकिंग समथिंग इन टू द माउथ विद द हेल्प ऑफ डिवाइस। इस बच्चे के मुंह में एक डिवाइस है, उस डिवाइस से बच्चा इस बेबी इज ट्राई टू सकिंग समथिंग। अब आपके सामने ऑप्शन पुट कर, थैंक यू नंदनी, शुक्रिया माई डियर। मैंने लिखा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आर्टिकल, क्या इसको लोगन बो बोलते हैं? क्या बच्चों इसको लोगन बो बोल सकते हैं? क्या मेरे बच्चों इसको हम टंग डिप्रेशन बोल सकते हैं? क्या बच्चों हम इसको पैसिफायर बोल सकते हैं? क्या बच्चों हम इसको नन ऑफ द अबो? चार ऑप्शन, जिसमें तीन ऑप्शन और एक लिखा कोई भी ऊपर वाला नहीं है। अब आपको फाइंड आउट करना बच्चों, अब आपको फाइंड आउट करना, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस? द डिवाइस बेबी विल यूजिंग फॉर सकिंग, दैट इज अ फील लाइक रिपल्स। विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? पुट इट एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग राज जी, शुक्रिया श्रद्धा, थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया अर्चना चिल्लर, क्विक आंसर। ऑलमोस्ट बच्चों ने अब ट्रैक पे लौट आए, एक बार डांट खाने के बाद सुधर जाते हो आप लोग, ये तो कंफर्म हो गया है। डांट की जरूरत होती है बीच बीच में। थैंक यू जशोदा, आपने पैसिफायर लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, आपका जो आंसर है पैसिफायर एब्सोल्युटली करेक्ट है। आई वॉज पुटिंग योर पैसिफायर। अब एक्चुअली पैसिफायर क्या होता है? पैसिफायर क्या होता है? ये एक रबर और प्लास्टिक का या हम बोल सकते हैं सिलिकॉनिक निपल्स होता है। रबर का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है और सिलिकॉन का हो सकता है। रबर, प्लास्टिक और सिलिकॉन तीन अलग अलग डिवाइस के फॉर्म में आता है। इसको हम कहते हैं रबर प्लास्टिक सिलिकॉन निपल सब्स्टिट्यूट गिवन टू एन इन्फेंट टू सक अपॉन बिटवीन फीडिंग एंड क्वाइट इट्स डिस्ट्रेस बाय द सेटिस्फाइड नीड टू सक व्हेन इट डज नॉट नीड टू ईट। मतलब क्या होता है? कभी कभी बेबी जो है उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको नीड नहीं है मिल्क का या निप्पल को सक करना जरूरी नहीं है,
तो बट बेबी हैव फीलिंग लाइक सकिंग, तो उसको हम उस फीलिंग को सबसाइड करने के लिए इस डिवाइस को बच्चे के माउथ में पुट कर देते हैं. इस बेबी इज ट्राई टू सक आउट, बेबी इज ट्राई टू सक आउट, यू फील लाइक दैट दैट वी कैन से पेसिफायर, दैट वी कैन से पेसिफायर. शुक्रिया सुजीत, थैंक यू मेरा बच्चा. तो कभी ये पूछ सकते हैं डिवाइस किस फॉर्म में, रबर लिख सकते हो, प्लास्टिक लिख सकते हो, सिलिकॉनिक लिख सकते हो, और हम बेबी के माउथ में पुट करते हैं. मेन इसका पर्पज होगा कि फीडिंग जो है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब बच्चे को नीड नहीं है, फिर भी बेबी वॉन्ट टू सक समथिंग, तो दैट विल बी पुट बाई डिवाइस. शुक्रिया स्मृति, स्मृति रंजन, थैंक यू मेरा बच्चा. लीलेश्वरी साहु, शुक्रिया बेटा, दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन, ओके फाइन. इसके अलावा मैंने लिखा बच्चों देखे लोगन बो क्या, ये भी सिखाऊंगा आपको. टंग डिप्रेशन आपको पता है, लोगन बो जो है दैट विल हेल्पिंग फॉर द क्लेफ्ट लिप सर्जरी. ध्यान से देखना, ये भी एग्जाम के एमसीक्यू बन सकता है, ये भी एग्जाम के एमसीक्यू बन सकता है. यहाँ पर आपको एक डिवाइस दिख रहा है, यहाँ पर एक आपको डिवाइस दिख रहा है, इसी डिवाइस को कहते हैं लोगन बो. माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, हियर यू कैन सी, थैंक यू कंचना अतुलकर, दैट डिवाइस वी कैन से लोगन बो. लोगन बो हम कब यूज करते हैं, जब पेशेंट का क्लेफ्ट लिप का सर्जरी होता है, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव, थैंक यू संगीता, पोस्ट ऑपरेटिव यूज होने वाले डिवाइस है. इस इमेज में आपको दिख रहा होगा ये डिवाइस है, और यहाँ पर डिवाइस को इंप्लीमेंट करने के बाद का फोटो आपको दिख रहा होगा. सिंपली एक्सटर्नल डिवाइस कंपेरिजिंग कर्ड बो शेप मेटल बार विद स्पाइक अटैच टू इट्स क्रॉस बियर यूज एज अ पार्ट ऑफ क्लेफ्ट लिप. याद रखना, सीधा पूछेंगे इसका यूज क्या है. मैंने आपको पहले ही कहा था क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के बाद इसको यूज करते हैं. टू मेंटेन पोस्ट ऑपरेटिव अपोजिशन टू अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेन आफ्टर चीलोप्लास्टी. मतलब हम चीलोप्लास्टी का मतलब होता है रिपेयरमेंट ऑफ द लिप्स. चीलोप्लास्टी का मीनिंग होता है मेरे बच्चों रिपेयरमेंट ऑफ लिप्स, मतलब लिप्स को रिपेयर करना चीलोप्लास्टी कहलाता है. उसके बाद व्हेन द बेबी इज डूइंग समथिंग बाय द माउथ तो लिप्स इट मे बी सेपरेटेड. तो आप लिप्स को अपने नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में पुट करके रखने के लिए इस डिवाइस का यूज करते हैं, और द नेम इज अ लोगन बो. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू रिमेम्बर एवरीवन. समझ में आ रहा बच्चों, चीलोप्लास्टी रिपेयरमेंट ऑफ द लिप्स इज अ सर्जरी विल यूज फॉर अ क्लेफ्ट लिप. और इस सर्जरी के बाद जो हम डिवाइस का यूज करते हैं द डिवाइस वीकस लोगन बो. और याद रखना पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन हम यूज करते हैं. नेक्स्ट बहुत मजेदार वीडियो है, इसका नाम आपको सर्च करना, फाइंड आउट करना. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक मदर है और मदर के ब्रेस्ट के निपल्स के ऊपर एक डिवाइस को प्लेस कर रखा हुआ है, और द डिवाइस विल वर्किंग ऑटोमेटिकली. और दैट आई वांट टू नो एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स व्हाट इज द नेम, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस. क्या हम इसको ब्रेस्ट मसाजर बोल सकते हैं, क्या बच्चों हम इसको ब्रेस्ट मसाजर बोल सकते हैं, क्या बच्चों हम इसको ब्रेस्ट पंप बोल सकते हैं, क्या बच्चों हम इसको निपल एनलार्जर बोल सकते हैं, या मेरे बच्चों इसको वार्म कंप्रेसर बोल सकते हैं. अब आपको आंसर पुट करना है, वीडियो को प्रॉपर देखना. थैंक यू मनीषा खुजर, शुक्रिया सुजीता पेकारे, थैंक यू माय डियर. फाइंड आउट इट एवरीवन, वन मदर इज सिटिंग पोजीशन, सी समथिंग ब्रिंगिंग, उसके पास एक डिवाइस है और डिवाइस के द्वारा वो मिल्क को कलेक्ट कर रही है. तो आपको समझ में आ चुका होगा कि व्हाट आई वांट टू नो, क्या ये ब्रेस्ट मसाजर. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको सही आंसर पुट करना है, क्या ये ब्रेस्ट पंप है, क्या ये निप्पल एनलार्जर है, क्या ये वार्म कंप्रेशन है. बच्चों क्विक क्विक आंसर पुट करिएगा. आपने बी आंसर लिखा है, आपने बी आंसर लिखा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, शुक्रिया रोहित. डेफिनेटली एक्चुअली व्हाट हैपन, मदर जो है जब ब्रेस्ट से मिल्क को नहीं निकाल पाती है तो ब्रेस्ट पंप हम यूज करते हैं. इसका डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइस होती है. ब्रेस्ट पंप वर्क एज टू एक्सक्रीशन ऑफ द मिल्क फ्रॉम योर ब्रेस्ट, लिखा है, इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट लैक्टेटिंग वुमन यूज टू एक्सट्रैक्ट मिल्क फ्रॉम देयर ब्रेस्ट. ब्रेस्ट से मिल्क को निकालने के लिए आजकल मैं बताता हूँ, यू नो काऊ में भी एक डिवाइस का यूज बहुत हो रहा है मिल्क को एक्सक्रीट करवाने के लिए, ब्रश से मिल्क को निकालने के लिए. माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो दैट सिंपली बहुत बहुत अच्छा वो बता सकते हैं बच्चों, दैट वी कैन से ब्रश पंप. मैं कुछ और फर्दर डिवाइसेस पुट करने से पहले दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन, मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए ब्रश पंप में एक इस तरीके की डिवाइस भी आती है. जैसे ये आपने यहाँ पर देखा ब्रश पंप है, ये ऑटोमेटिक डिवाइस है, बट कभी कभी मैनुअली भी हम यूज कर सकते हैं, इस तरीके की डिवाइस होती है जिसको हम निपल्स के और ब्रेस्ट के ऊपर प्लेस करते हैं, और इस पंप को पुश करने से
मिल्क जो है एक्सक्रीट आउट होता है, मिल्क जो है एक्सक्रीट आउट होता है। हो सकता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर किसी भी, थैंक यू आदिति, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। पहले वाला डिवाइस मैंने कहा ऑटोमेटिक है, दैट विल बी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, हम कंसिडर कर सकते हैं। ये मैनुअल है, ये मैनुअल है, हम इस कप को सीधे ब्रश के ऊपर प्लेस करना है, फिर इस पंप को पुश करना है और ब्रस्ट विल बी एक्सक्रीटिंग आउट। थैंक यू सुषमा माली, अर्चना, इट्स ओके माय डियर, दैट यू अंडरस्टैंड, दैट यू अंडरस्टैंड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और मजेदार ऑप्शन जो था, एक और, थैंक यू मानसी राजपूत, शुक्रिया मेरा बच्चा दामोदर सैनी, थैंक यू जे एन सी एन यादव, संगीत लव यू टू माई डियर। देखिए एक और डिवाइस मैंने पुट किया था, निप्पल एनलार्जर। इस डिवाइस को आप देख सकते हो, कभी कभी कुछ फीमेल्स में निप्पल्स नैरो होते हैं, एनलार्ज नहीं होते हैं, तो बेबी को निप्पल को होल्ड करने में डिफिकल्टीज होती है, बेबी को निप्पल को सक करने में डिफिकल्टीज होती है। तो बच्चों आजकल एक डिवाइस आती है जिसको निप्पल एनलार्जर के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। इस डिवाइस को आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हम निप्पल को एनलार्ज कर सकते हैं। इवन दैट यू नो एवरीवन, रिट्रैक्टेड निप्पल्स होते हैं ना, रिट्रैक्टेड निप्पल्स को भी हम केयर और क्योर कर सकते हैं। दैट लाइक दैट वी कैन सी दिस डिवाइस, वी कैन सी निप्पल एनलार्जर। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम इमेज और वीडियो बेस में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, बट मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के बाद हर एक एमसीक्यू का आंसर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी एमसीक्यू क्यों ना हो। थैंक यू संगीता, ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दैट यू कैन सी एवरीवन, हार्ट का इमेज आपको दिख रहा है जहां पर समथिंग डिवाइस को एंटर किया जा रहा है, और यू कैन फाइंड आउट इट माय डियर व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। आपने कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पढ़ा होगा, और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में जो फीटल सर्कुलेशन के बाद नॉर्मली क्लोजर होना चाहिए, यदि वो क्लोज नहीं होते पर्टिकुलर ओपनिंग्स, तो कुछ डिफिकल्टीज या एबनॉर्मलिटीज पैदा होती है। वही मैंने आपसे पूछा है, आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। मैंने ऑप्शन पुट किया है, क्या ये जो इमेज और वीडियो आपको दिख रहा है इसमें आपको सेप्टोप्लास्टी दिख रही है, जो रिपेयरमेंट ऑफ द सेप्टम का, ऐसा लग रहा है कि सेप्टम को रिपेयर किया जा रहा है। क्या यहाँ पर ASV ट्रांस कैथेटर रिपेयर दिख रहा है? क्या यहाँ पर VSD ट्रांस कैथेटर रिपेयरमेंट का प्रोसेस दिख रहा है? क्या यहाँ पर पेटेंट फोरामिना ट्रांस कैथेटर रिपेयरमेंट दिख रहा है? दैट यू कैन सी एवरीवन। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, बट डेफिनेटली आपको सही आंसर पुट कर। एक बात आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, ये आपका राइट HCM है, ये आपका लेफ्ट HCM है, और ये दोनों HCM के बीच का सेप्टम है, इसको एट्रियल सेप्टम बोल सकते हैं। और जब ये सेप्टम जो है ये फीटल सर्कुलेशन ओपन होता है, आपने सुना होगा फोरामिन, आपने सुना होगा बच्चों फोरामिन ओवली, फोरामिन ओवली आपने सुना होगा, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम और वी कैन से लेफ्ट एट्रियम। अरे सोच के आंसर दीजिएगा, सोच के आंसर दीजिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, प्लीज वेट एंड वॉच एंड गिव आंसर, वेट एंड वॉच एंड गिव आंसर। अब आपको राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग दिख रहा है जिसको आपने फोरामिन ओवली कहते हैं। बर्थ के बाद ये क्लोज हो जाता है, बर्थ के बाद ये क्लोज हो जाता है, बट कभी कभी ये क्लोज नहीं होता है, इसको हम बर्थ डिफेक्ट बोलते हैं, हम इसको बर्थ डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसको क्लोज करने के लिए एक सिंपल सर्जिकल इंटरवेंशन कंडक्ट किया जाता है, दैट वी कैन से डी इज द राइट आंसर मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डी लिखना, द पेटेंट फोरामिना ट्रांस कैथेटर रिपेयर इज अप्रोप्रिएट द फिक्स पेटेंट फोरामिना ओवली इन द हार्ट, दिस इज योर फोरामिना ओवली। इसको क्या किया है, इसको क्लोज किया, जो ऑलरेडी ओपन था दैट शुड नीड टू बी क्लोज टू मेंटेन द नॉर्मल ब्लड फ्लो इन टू द अडल्ट, या वी कैन से अप टू बर्थ सर्कुलेशन। तो दैट डिवाइस विल हेल्पिंग, द कैथेटर विल एंटर, देन विल बी रिपेयर दैट वी कैन से एट्रियल सेप्टम, जिसको हमने फोरामिना ओवली के नाम से प्रोनाउंस किया था। तो यही तो आपको फाइंड आउट कर, कहां ASD लिख रहे हो, कहां VSD लिख रहे हो। मैंने ASD VSD का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, तो थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ ना। मैंने कहा था आज के सेशन के शुरू में, जितना आसान सोचे उतना नहीं है, क्योंकि आपका लेवल बहुत अच्छा हो चुका है। You are very intelligent future nursing officers. बहुत अच्छी मेहनत आप कर चुके हो, आपकी नॉलेज को चार चांद लगाना है तो आपके सामने ऐसे डिफिकल्ट टास्क पुट करना होगा एज ए टीचर, ताकि नॉर्सेट में अच्छी रैंक के साथ अपने सपनों का नॉर्सेट एम्स आप सेलेक्ट हो। और उसके लिए यू आर डूइंग फंटास्टिक हार्ड वर्क एवरीवन, चाहे ऑफलाइन के बच्चे हो, चाहे ऑनलाइन के बच्चे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, रियली यू पीपल डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। बट कुछ चीजें आपको आपके अंदर मॉडिफाइड करना पड़ेगा यदि आपको क्वालिटेटिव रिजल्ट चाहिए। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, शुड नीड टू बी मॉडिफाई योर सेल्फ। कुछ बदलाव आप अपने अंदर जरूर करें। बदलाव में क्या करना है,
जब तक पूरा एमसीक्यू समझ में नहीं आए तब तक आंसर नहीं देने का, चाहे कितना इजी क्यों ना पूछे। यू शुड नीड टू बी रीड फॉर टू टाइम्स, आपको दो बार एमसीक्यू पढ़ना है, आपको लग रहा है ये आंसर है, दूसरी बार फिर पढ़िएगा, दोनों बार में श्योर हो जाते हो तो आंसर पुट करना है। हर एक इंसान की उतनी इज्जत करो जो किसी पोस्ट पे बैठे हुए इंसान की इज्जत करता है। यही एग्जाम्पल मैं देता हूं, हर एक एमसीक्यू की उतनी इज्जत करो, चाहे वो वन लाइनर हो चाहे वो टेन लाइनर हो, आपको आउटपुट मिलेगा बच्चों, डेफिनेटली यू विल गेट राइट आंसर। सेकेंड थिंग, बिल्कुल आपको नहीं पता है, खुद को कंट्रोल कर लीजिएगा, होल्ड कर लीजिएगा और खुद सीखेगा, नहीं गलत नहीं करना मुझे, कभी कभी मन करेगा राइट कर दूं, फिर रोकना नहीं, फिर मन करेगा फिर रोकना नहीं, ये जिद्दीपन आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा टू प्रिवेंट फ्रॉम माइनस मार्किंग। तो ये दो लिटिल चेंजेस आप अपने अंदर लाइएगा और अगली क्लास में फिर दो चेंजेस आपको बताऊंगा और वन डे यू विल बी डेफिनेटली रीच टूवर्ड्स योर ड्रीम, दैट इज योर नॉर्थ सेट 2022 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। रुकना नहीं है, झुकना भी नहीं है, हारना भी नहीं है, बस परिस्थितियों के साथ लड़ना है और परिस्थितियां जितनी कठोर आएगी आप उतने मजबूत बनोगे, आपका सपना आपके उतना करीब आएगा। और आप जब भी कभी ऐसा लगे कि आप मेरे से नहीं होने वाला, मैं नहीं कर पाऊंगा, समझ जाना आपके पेशेंस का एक और टेस्ट है, इस टेस्ट से फिर आपको आगे चलना है, गुजरना है, क्योंकि सफल तो होंगे, जीत तो होंगी और जिस दिन जीत होगी बड़ी शानदार होगी, जब दुनिया भी आपको सलाम करेगी। बस आज वक्त बुरा है, स्ट्रगलर पीरियड है, कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना बच्चों, किसी की परवाह मत करना, खुद के लिए जी रहे हो, खुद के लिए जी के देखना, जिस दिन अच्छा होगा सारे नाराज लोग चले आएंगे अपने आप, अपने को माफ करने के लिए, बस अब खुद के लिए खुद गर्ज बन जाइएगा कुछ वक्त के लिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाले बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन आपको देते चलता हूं, मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने कहा था कि ऑफलाइन बैच बहुत करीब है, 23 अप्रैल को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस 23 अप्रैल का जो बैच है बच्चों, ये बैच जो है 6 मंथ का होगा और बताना चाहता हूँ इस बैच 6 मंथ के बैच में 30 डेज आपको 30 डेज क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा। हम टाइम ऑलमोस्ट 2:30 से रखने का प्लान करें, 7:30 तक रखेंगे और वीकली टेस्ट यहाँ पर भी है, वीकली टेस्ट यहाँ पर भी है। अभी बहुत सारे बच्चे बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं, उसका रनिंग है और आप इस बैच को रजिस्ट्रेशन एडवांस कन्फर्म कर में कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हो। बस याद रखना बच्चों, कलेजा बड़ा रखना, हिम्मत करके आना, हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने की सोच के साथ आना, बस एक ही मन में सपना लेके आना, जिस दिन जेएनसी से लौटूंगा तो जीत के आऊंगा। बस जेएनसी अपनी जी जान से आपके साथ मेहनत करेगी। हॉस्टल अवेलेबल है, 6,000 रुपीज जो है वो हॉस्टल का पर मंथ का चार्ज है, पे लाइब्रेरी यहाँ पर फ्री है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 9636603603269 पे रजिस्ट्रेशन करके अपने सीट कंफर्म कर सकते हैं बच्चों। आने से पहले नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो ध्यान से देखना बच्चों, इसमें मैंने सिम्टम्स पुट कराए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ट्रिकी है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इसके अंदर कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको सामने, या मैंने ग्रंटिंग दिखाया, या नेजल फ्लेयरिंग दिखाया, या मैंने डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग दिखाया, या रिप्स रिट्रैक्शन दिखाया है। अब आपको इन सिम्टम को देखना, देखिए कितना मजेदार है, सिम्टम फिजिकली आपको दिख रहा है, आपको उस डिजीज का नाम का पता लगाना है, यू आर एबल टू फाइंड आउट एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपके सामने क्लियरली सिम्टम दिख रहा है, बस वक्त है इस डिजीज का नाम, इस तरीके से सिम्टम, आपको नेजल फ्लेयरिंग दिख रहा है, आपको ग्रंटिंग दिख रहा है, आपको रिप्स का रिट्रैक्शन दिख रहा है, आपको डिफिकल्ट ब्रीथिंग दिख रहा है। अब फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आप मुझे बताएं ये कौन सी डिजीज के सिम्टम होंगे, क्या निमोनिया वाले पेशेंट में ये सिम्टम फाइंड आउट होंगे, क्या बच्चों ये लंग कार्सिनोमा में ये सिम्टम फाइंड आउट होंगे, क्या बच्चों रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में ये सिम्टम फाइंड आउट होंगे, या मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एस्फेक्सिया में ये सिम्टम फाइंड आउट होंगे। क्विक आंसर, फटाफट आंसर पुट करिएगा, विच वन इज द करेक्ट आंसर। शुक्रिया वैभव प्रधान, थैंक यू सो मच वैभव फॉर योर लवेबल कमेंट्स। बच्चे सी लिख रहे हैं, सम दे आर पुटिंग सी, सम दे आर पुटिंग डी, बट विच वन इज द करेक्ट आंसर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ज्यादातर बच्चे लिख रहे हैं, डेफिनेटली आपका आंसर सही हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने आरडीएस लिखा है उसका आंसर सही है, बिकॉज आरडीएस जो है चारों मेन सिम्टम आरडीएस का, मैं कुछ और सिम्टम भी यहाँ पर बताने वाला, जब भी बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है तो कॉमनली हम देखते हैं तो उसका एक तो अपगार स्कोरिंग जो है वो लो होता है,
साथ में उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी साइन मैंने आपके सामने पुट किया हुआ है, चकी पीनिया, चकी कार्डिया, रिट्रैक्शन ऑफ रिब्स का भी मैंने आपके सामने एक सिम्टम पुट किया हुआ है। देन बच्चों नेजल फ्लेयरिंग आपको क्लियरली दिख रहा है, दिस इज योर नेजल फ्लेयरिंग। देन लास्ट में मैंने ग्रंटिंग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ये भी आपको दिख रहा है। तो दैट सिम्टम रिफ्लेक्टिंग पेशेंट सफर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और रियली आप में से बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर लिखा है, मतलब आप सोच सकते हो किस लेवल के एमसीक्यू बन सकते हैं। एक वीडियो आपके सामने चल रहा है जहां पर पेशेंट के सिम्टम फिजिकली आपको दिख रहे हैं, आपको सिम्टम को आइडेंटिफाई करना और डिजीज का नाम पता करना है। पहले तो ये पूछते थे कि ये कौन सा सिम्टम कौन सी डिजीज होता है। आज दुनिया बदल चुकी है, डिजिटल इंडिया हो गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है, एम्स का पैटर्न बहुत एडवांस हो गया है। आज क्या हो रहा है वो आपको आना चाहिए और उसी से आप फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो। तो फंटास्टिक आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए। ओके फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। निमोनिया आपको पता है बच्चों, निमोनिया को हम बोल सकते हैं इट्स इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स पैरेन्काइमल सेल। लंग्स पैरेन्काइमल सेल में इन्फ्लेमेशन को हम लोग निमोनिया बोलते हैं। एस्पेक्सिया जिसको हम स्टेट ऑफ सफोकेशन बोल सकते हैं, इसको बच्चों हम लोग स्टेट ऑफ सफोकेशन के नाम से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। लंग कार्सिनोमा कैंसर इन टू द लंग्स हम बोल सकते हैं। शुक्रिया प्रिया मुनकिया, थैंक यू मेरा बच्चा। नेक्स्ट एक और वीडियो बच्चों, एक और वीडियो आपके सामने, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। देखिए कितने शानदार व्यू आया, 786 पीपल वॉचिंग लाइव, 786 है ना। ये एक आंकड़ा जो है बहुत खूबसूरत है, और मेरे जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस 786 से बहुत प्यार करते हैं, ये आंकड़ा उनको समर्पित है मेरे बच्चों को, 786। ओके फाइन, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। एक बॉन जो है आपको दिख रहा है, एक बॉन देखिए, आपको बड़ा आसान लगेगा बट आंसर सोच के देनी। एक बॉन आपको दिख रही है और एक वीडियो जो मैंने डिस्प्ले किया है आपको आइडेंटिफाई करना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, पुट द राइट आंसर। इस वीडियो को फाइंड आउट करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल माय डियर अली अली, आपको डेडिकेटेड माय लविंग, बिल्कुल ये मेरे जितने भी प्यारे बच्चे उनको डेडिकेटेड ही नंबर। ओके फाइन, आइडेंटिफाई करना बच्चों, क्या हम क्लेविकल बोल सकते हैं, क्या हम स्टर्नम बोल सकते हैं, क्या हम रेडियस बोल सकते हैं, क्या हम यूमरस बोल सकते हैं, क्विक आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस वीडियो को देख करके आपको आइडेंटिफाई करना ये कौन सा बोन है, और सारे बदमाश बच्चों का एक ही सही आंसर आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू जूही कुमारी, शुक्रिया मेरा बच्चा। स्टर्नम आपने आंसर पुट किया, मैं कम से कम 5 से 7 एमसीक्यू यहाँ पर आपको शो अप करने वाला हूँ। स्टर्नम आप लगातार लिख रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 800 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, स्टर्नम इज द राइट आंसर। देखिए बच्चों ये जो स्टर्नम है दैट वी कैन से अराउंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और हम इसको बोल सकते हैं 6 इंच, हम बोल सकते हैं बच्चों 6 इंच जो है ये लॉन्ग है, 6 इंच जो लॉन्ग है। बाकी आपको अच्छे से पता है हम स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन बोल सकते हैं, स्टर्नम वो बोन होती है जो अडल्ट में, मैक्सिमम मेरे बच्चों अडल्ट में मैक्सिमम आरबीसी का प्रोडक्शन करती है, स्टर्नम में आप बोन मैरो एस्प्रेशन कर सकते हो, इसको हम लोग बोन मैरो एस्प्रेशन साइट भी बोल सकते हैं, यहां से आप बोन मैरो को निकाल सकते हो। और बदमाश बच्चों अडल्ट में सीपीआर भी तो यहीं से देते हैं, सीपीआर के लिए आपको लोअर थर्ड को चूज करना है, दैट विल डिलीवर, दैट इज अ सीपीआर दैट वी कैन से सीपीआर को डिलीवर भी हम यहीं से, थैंक यू महिमा, सीपीआर को डिलीवर भी हम यहां से करते। तो मैं लिखा है टी शेप बोन होती है, वर्टिकल बोन होती है, इंटीरियर पोस्ट ऑफ द चेस्ट वॉल को फॉर्म करने में मदद करती है, और आपने सही आंसर लिखा, दैट वी कैन से, शुक्रिया एवरीवन, बिल्कुल फाइंड आउट अच्छा किया आपने। बाकी क्लेविकल एवरीबडी नो कॉलर बोन है, हॉरिजेंटल बोन है, हम बोल सकते हैं। मैं लिखना चाहता हूँ क्लेविकल को हम लोग कॉलर बोन बोल सकते हैं, दैट वी कैन से हॉरिजेंटल बोन बोल सकते हैं, दैट वी कैन से ब्यूटी बोन बोल सकते हैं, और बच्चों में मोस्ट कॉमन साइट फॉर द फ्रैक्चर बोल सकते हैं यूमरस रेडियस, ऑलरेडी दैट नो एवरीबडी। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं।
नेक्स्ट एक और मजेदार वीडियो में आपको दिखाने वाला फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया प्रीति की पाठशाला मेरा बच्चा, थैंक यू। ये बच्चों आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका भरोसा जेएनसी पे, और आप चाहे इंडिया में कहीं पर भी बैठे हो, आपका जो प्यार है जेएनसी परिवार को हमेशा मिलता है, और जेएनसी परिवार अपनी जिम्मेदारी के साथ कुछ नया आपके लिए करने की कोशिश करता है, और कई हजार बच्चों का सपना इस तरीके से पूरा हुआ है सिर्फ यूट्यूब से पढ़ करके। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया, फिर से अपने सपने को जिंदा किया है कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता। आप कर सकते हो बच्चों, आपको सिर्फ जरूरत है एक मेंटोर की, एक अच्छे टीचर की, जो आपको वक्त वक्त पे अलर्ट करता रहे, आपको सही ट्रैक पे चलाए, और आप उस टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। अभी में आप में वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी आज भी है, बट उस कैपेबिलिटी को स्टार्ट करना आपको होगा। जगाने का काम जेएनसी परिवार कर रहा है, चलना आपको होगा, आपकी मुसीबतों से जेएनसी आपके साथ लड़ेगा। तो कभी भी ये मत सोचिएगा मेरा सब कुछ खत्म हो गया, आज भी आप वो कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। बस अपनी मानसिकता इतनी स्ट्रांग बना लीजिएगा कि नोबडी कैन बीट मी, आई विल डू, आई विल रीच टूवर्ड्स माई ड्रीम। और आप बिल्कुल करिएगा माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस वीडियो को थोड़ा केयरफुली देखना, मैंने एक शानदार एमसीक्यू यहाँ पर पुट किया है। यहाँ एक फीमेल पेशेंट है और वो अपने ब्रेस्ट को प्रेस कर रही है, एक फीमेल पेशेंट है वो अपने ब्रेस्ट को प्रेस कर रही है। ये एक मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर शो अप किया माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जैसे यहाँ ऑप्शन पुट किया है That you identify everyone, क्या ये इन्वर्टेड निपल्स आपको दिख रहे हैं? क्या ये इन्वर्टेड निपल्स आपको दिख रहे हैं? क्या ब्रेस्ट कार्सिनोमा ये आपको विजिबल हो रहा है? क्या स्कैरिंग ऑफ निपल्स आपको दिख रहे हैं? और क्या एट्रोपी ऑफ निपल आपको दिख रहे हैं? बच्चों विजिबल करना प्रॉपर माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, विच वन इज द राइट आंसर, यू शुड नीड टू बी नो एवरी वन। इस फीमेल पेशेंट के निपल्स को विजुलाइज करिएगा, मैंने चार ऑप्शन आपके सामने पुट किया है। That will be, क्या ये इनवर्टेड निपल्स है? क्या बच्चों ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा है? क्या बच्चों ये स्कैरिंग ऑफ निपल्स है? क्या बच्चों ये एट्रोपी है? क्या बच्चों ये एट्रोपी है? गलत आंसर नहीं होना चाहिए बच्चों, थैंक यू एवरीवन, गलत आंसर नहीं होना चाहिए। वी हैव फोर ऑप्शन, विच वन इज करेक्ट ऑलरेडी वी डिस्कस अर्लियर एमसीक्यू में, हमने कहीं ना कहीं वो वर्ड डिस्कस जरूर किया था। इट्स ओके इफ यू डोंट हैव आइडिया दैट यू शुड वेट, डोंट ट्राई टू पुट रॉन्ग आंसर। ए आंसर आपका आ रहा बच्चों, आपने कहा कि ये जो विजिबिलिटी दिख रहा है दैट वी कैन से इन्वर्टेड निपल्स दिख रहा है, इन्वर्टेड निपल्स, और आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट है, थैंक यू नीलम, एब्सोल्युटली करेक्ट है दैट वी कैन से इन्वर्टेड निपल्स। एक्चुअली इन्वर्टेड निपल्स का मतलब निपल्स आर दैट पॉइंट इनवर्ड और लाई फ्लैट रेदर देन पॉइंट आउट, इट ऑल्सो कॉल्ड रिट्रैक्टेड निपल्स। मतलब क्या होगा, जब मदर का हम ब्रेस्ट को देखेंगे, सपोज ये मदर का ब्रेस्ट है और ये नॉर्मली निपल्स होना चाहिए, ये नॉर्मली निपल्स होना चाहिए, बट क्या होगा, निपल्स दैट विल बी रिट्रैक्टेड इनवर्ड, अंदर की ओर रिट्रैक्टेड होगा, जिसकी वजह से बेबी कैन नॉट एबल टू होल्ड निपल्स कंप्लीटली इनटू द माउथ फॉर सकिंग ब्रेस्ट मिल्क। तो उस कंडीशन को हम इनवर्टेड निपल्स या रिट्रैक्टेड निपल्स बोलते हैं, रिट्रैक्टेड निपल्स बोलते हैं। बहुत सही आपने आंसर आइडेंटिफाई किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए मैंने कोशिश की वीडियो के साथ आपको इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन मिले ना, तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स गलत नहीं करें, वो इस वीडियो को देख करके सीख लें कि कैसा भी एमसीक्यू क्यों ना पूछे, हमारे पास उसका राइट आंसर होना चाहिए। तो दैट सिंपली वी कैन से इनवर्टेड निपल्स और वी कैन से निपल रिट्रैक्टेड, और इसी के लिए तो मैंने आपको निपल्स को एनलार्ज करने के लिए डिवाइस का फोटो बताया था बच्चों आपको, और उससे मैंने कहा था कि निपल रिट्रैक्टेड को ठीक किया जा सकता है। एक और तरीका बताता हूं, जो अपने सिरिंज होती है ना बच्चों, जो सिरिंज होती है, सपोज ये सिरिंज है, ये सिरिंज के पार्ट है बच्चों, हियर यू कैन सी, ये जो है ये सिरिंज के पार्ट है, दैट यू कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैं सिरिंज की बात कर रहा हूं, सिरिंज का फ्रंट का पोर्शन है उसको हम टिप बोलते हैं, बीच वाले पोर्शन को हम लोग बेवल और बैरल बोलते हैं, और पीछे वाले को हम लोग पिस्टन बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। मैंने सिरिंज के पार्ट की बात कर रहा हूं बदमाश बच्चों, सिरिंज के पार्ट। अब हमें क्या करना होता है, नॉर्मली ये पिस्टन जो है, प्लंजर भी बोलते हैं, जो पिस्टन वो पोर्शन है जिसको हम पीछे पकड़ के होल्ड करके और पीछे की ओर लेके आते हैं, पिस्टन है,
बीच का हिस्सा जो है इसको बच्चों बैरल बोलते हैं, फ्रंट का जो होता है टिप, ये तीन पार्ट होते हैं सिरिंज के, सिरिंज के तीन पार्ट होते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग, थैंक यू अनु, तीन पार्ट होते हैं बच्चों। अब क्या होता है कि जब हम हॉस्पिटल में वर्क करते थे, स्पेशली पोस्ट नेटल वार्ड में जब आप काम करते थे, मदर लैक्टेटिंग वहां पर प्रेजेंट हुआ करती थी, थैंक यू एवरीवन। तो इस समय क्या करते थे हम लोग, इस पोर्शन को क्या करते थे बच्चों, कट कर देते थे, और इसको कट करने के बाद में इस पिस्टन को हम इस तरीके इस तरफ से अप्लाई करते थे, और ये जो एंड पोर्शन वाला हिस्सा था इसको हम निप्पल के ऊपर प्लेस कर देते थे। प्लेस करके फिर हम इस पिस्टन को खींचते थे ताकि रिट्रैक्टेड निप्पल दैट विल बी कम आउट, थैंक यू पुष्पा, रिट्रैक्टेड निप्पल दैट विल बी कम आउट, और पेशेंट का जो ये कंजनाइटल डिफॉर्मिटी जो दिख रहा था उसको सबसाइड कर दिया जाता। ज्यादातर जो है हम लोग पोस्ट नेटल वार्ड में लैक्टेटिंग मदर में इसको कंडक्ट किया होगा। विल यूज सिरिंज, सिरिंज को उल्टा लगाना है, प्लंजर को उधर से निकाल इधर पुट करना है, और हम रिट्रैक्टेड निप्पल को ठीक कर देते थे। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन, ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों। इस वीडियो को देखा आपने, बहुत शानदार आंसर पुट किया। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी एक और डिवाइस आपके सामने बच्चों, एक और डिवाइस आपके सामने, बड़ा सिंपल डिवाइस है, बड़ी सिंपल डिवाइस में भी एमसीक्यू छुपे हुए। अपना 1300 ग्राम का ब्रेन आप यूज करिएगा, डेफिनेटली यू हैव द राइट आंसर एवरीवन। शुक्रिया सुमन दास, थैंक यू मेरा बच्चा। सुरक्षा कश्यप, थैंक यू एवरीवन फॉर योर ट्रू हार्टेड लव। इस डिवाइस को फाइंड आउट करना, क्या हम इसको एपिसियोटॉमी डिवाइस बोल सकते हैं, क्या हम इसको प्लेसेंटा सेपरेशन डिवाइस बोल सकते हैं, क्या हम इसको कोल्ड क्लंपिंग बोल सकते हैं, या बदमाश बच्चों तीनों में से भी कोई नहीं है, तीनों में से भी कोई नहीं है। फाइंड आउट एवरीवन व्हिच वन इज अ करेक्ट आंसर। एपिसियोटॉमी वी कैन कंसिडर, प्लेसेंटा सेपरेशन वी कैन कंसिडर, कोल्ड क्लैंपिंग इवन नन ऑफ दीज। ऑलमोस्ट बच्चों ने इसमें कोड क्लैम लिखा। बच्चों वीडियो को वॉच करना, वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना, और प्लेसेंटा को भी हम क्लैम करते हैं, बेबी का प्लेसेंटा दोनों के बीच में हम इसको क्लैम करते हैं। द डिवाइस विल यूज, और इस डिवाइस का नाम बिल्कुल आपने सही लिखा, दैट इज अ कोड क्लैम, क्योंकि द मीन्स कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड 10 to 15 seconds आफ्टर बर्थ और सूनर। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें ये कोड क्लैम चाहिए जो ब्लड सप्लाई को स्टॉप करता है, और उसके बाद हम यहाँ से प्लेसेंटा कट कर देते हैं। ये डिवाइस बेबी के प्लेसेंटा के साथ ही चली जाती है, और धीरे धीरे जब प्लेसेंटा अपनी जगह से सेपरेट हो जाता है तो डिवाइस को हम रिमूव कर लेते हैं। दैट डिवाइस वी कैन से प्लेसेंटल सेपरेटिंग डिवाइस बोल सकते हैं, या कोड क्लैंपिंग बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पर राइट आंसर है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्या बात है। नेक्स्ट मैंने पुट किया बच्चों, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म से। रिकॉर्डेड जो कोर्स है ये 1200 वीडियो लेक्चर इसमें, वीडियो लेक्चर इस कोर्स में दिया हुआ है, और 5000 जो है प्लस MCQ इसमें यूनिट वाइज दिया हुआ है। इसमें नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट के साथ बच्चों रीजनिंग दे रखा है, मैथ्स दे रखा है, और प्लस बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि 1 year वैलिडिटी आपको दिया हुआ है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। वन कोर्स फॉर वन नेशन। यदि आप एक कोर्स यदि आप परचेज करते हो तो चाहे DSSB क्यों ना हो, चाहे ESIC क्यों ना हो, RRB क्यों ना हो, PGIM या चंडीगढ़ क्यों ना हो, आप किसी भी वैकेंसी के एग्जाम में अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। वन नेशन वन कोर्स, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो सीधा सिंपल तरीका है, इस कोर्स को बाय कर सकते हो आप 9636032691 पे, फोन पे और पेटीएम करके, या प्ले स्टोर पे जाके JINC जोधपुर का आपको ऐप डाउनलोड करना है, और आप जुड़ सकते हो JINC परिवार से अपने सपनों को पूरा करने के लिए। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, हियर यू कैन सी नेक्स्ट वीडियो देखना बच्चों। आजकल की जनरेशन का बड़ा ये फेवरेट MCQ है, जिनके टीथ जो है वो एक कहीं ना कहीं जो है, एक टीथ आपका न्यूजीलैंड जा रहा है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो उनको सेटल डाउन करने के लिए प्रोसीजर हम कंडक्ट करते हैं। यू फाइंड आउट इट एवरीवन व्हिच वन इज अ करेक्ट आंसर। वीडियो को ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहाँ पर एक डिवाइस को प्लेस किया जा रहा है, दांत की सेटिंग को प्रॉपर किया जा रहा है, तो आपको आंसर पुट करना बच्चों। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने, क्या हम इसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, क्या हम इसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्या हम इसको डेंटल अलाइनमेंट बोल सकते हैं, दांतों को सीधा करना, क्या हम इसको प्रिवेंटिव गम ब्लीड बोल सकते हैं, या हम इसको C और D दोनों को राइट कर सकते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल आपने डेंटल ब्रश तो लिखा है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। अब इन चारों में से आप मुझे एक आंसर पुट करिएगा, ये डिवाइस जो है इसको डेंटल ब्रश बिल्कुल सही बोलते हैं,
but which one is the correct answer? Which one is the correct answer, my loving future nursing officers? Breast सही है, बिल्कुल breast लगाते हैं. अब इस breast का काम क्या? क्या ये root canal treatment को show कर रहा है? क्या ये dental को दांतों को सीधा कर रहा है? मतलब जो incisor इधर जा रहा था, उधर भाग रहा था, इनको सबको पकड़ के एक जगह बड़ा रखने की कोशिश करते हैं. तो which one is the correct answer, my loving future nursing officers? अभी आपका आंसर आ रहा है, बी लगातार आप आंसर पुट करें फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. डेफिनेटली बहुत जरूरी है. देखिए आजकल की जनरेशन जो है वो जितना ध्यान अपने खूबसूरती पे लगाते हैं तो उस खूबसूरती का ये एक हिस्सा है. जब कंजेनाइटली टीथ में कुछ डिफॉर्मिटीज होती है तो टीथ को सेटल डाउन करना, तो ब्रश को अप्लाई करते बहुत मुश्किल होता है. ट्रीटमेंट इसका लंबे समय तक चलता है, बट हर इंसान अपनी खूबसूरती के साथ कोई समझौता नहीं करता है. जितना प्यार आप अपने आप से करते हो ना बच्चों, उतना ही प्यार अपनी पढ़ाई अपनी स्टडी से करके तो देखो दुनिया बदल जाएगी बच्चों. जितनी मोहब्बत आप अपने आप को निहारने में निखारने में लगाते हो, उतनी ही मोहब्बत आप बुक से करिएगा जो आपके सपने में चार चांद लगा देगा. बस फर्क इतना ही है, लाइफ टाइम अपने आप को हम निहार सकते हैं, स्टडी करने का एक लिमिटेड टाइम होता है, तो कुछ वक्त उधर दीजिएगा. और उसके बाद जब हर मंथ में 80,000 प्लस अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं. याद रखना साइकिल से फ्लाइट पे पहुंचना है. आज हम साइकिल पर स्ट्रगल कर रहे हैं, आने वाले 2022 के बाद फ्लाइट में दिखेंगे मेरे बच्चों. और यही जिद, आकाश में उड़ना चाहते हो तो सपने के साथ चलो और मेहनत करो बच्चों, डेफिनेटली वन डे यू विल रीच. तो आपका सही आंसर डेंटल ब्रश, बहुत कॉमन बच्चों को पता है दैट वी कैन से डेंटल ब्रश. Appliance which are used to ally and straighten the teeth and guide the teeth to the corrected position. दांतों को अपनी जगह यथावत रखने के लिए इस तरीके का प्रोसीजर कंडक्ट किया जाता है जिसको हम डेंटल ब्रश बोलते हैं. अलाइनमेंट का मतलब होता है सीधा करना. गाड़ी का अलाइनमेंट नहीं करते हो क्या? गाड़ी जब चलती चलती खराब हो जाती, सही नहीं चल रही है तो गाड़ी के पहियों का अलाइनमेंट करते. टीथ अपना प्रॉपर नहीं है तो हम टीथ का अलाइनमेंट करके सेटल डाउन कर सकते बच्चों. बहुत बढ़िया ऋषि, बहुत बढ़िया. फर्स्ट लव जो है बुक के बिल्कुल होना चाहिए बच्चों. एक छोटी छोटी जिद जो है आपकी जिंदगी में खूबसूरत बना सकते हो. शुक्रिया अर्चना सैनी, थैंक यू एवरीवन टू ट्रस्ट एंड लव टुवर्ड्स योर जेएनसी. ओके नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक स्कल का वीडियो है. फोकस करना, यहां ध्यान देना, इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को ध्यान से देखना. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नॉर्थ सेट में पूछा जा सकता है. यू कैन सी एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स What happened here? इसी mechanism के बारे में आपसे पूछने वाला हूं. आपने स्कल का वीडियो देखा, आपको सूचर लाइन दिख रहा है, आपको सूचर लाइन दिख रहा है और सूचर लाइन को धीरे धीरे कनेक्ट होता हुआ भी आपको दिख रहा है. अब आपको आंसर पुट करना है, What will be indicating? What will be indicating my loving future nursing officers? शुक्रिया शिल्पा. शिल्पा देखिए बेटा, आइडेंटिफाई करना है, क्या इसको क्रेनियो टैब बोलते हैं, क्रेनियो टैब बोलते हैं, क्या इसको क्रेनियो सिनोस्टोसिस बोलते हैं, क्या बच्चों इसको ओस्टियोजेनेसिस दैट वी कैन से इम्परफेक्टा बोलते हैं या हाइड्रोसिफलस बोलते हैं. अब मोल्डिंग नहीं है, मोल्डिंग नहीं है. आपको मैंने जो पूछा है, जो सूचरिंग लाइन थी, वो सूचरिंग लाइन वक्त के साथ सबसाइड हो जाती है. दैट प्रोसेस व्हाट वी कैन से, इस प्रोसेस का नाम पूछा है मैंने अपने बदमाश बच्चों से कि विच इज राइट आंसर. मैं कुछ हिंट देता हूं. क्रेनियो टैब को बोलते हैं सॉफ्टनिंग, क्रेनियो टैब को बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल. तो ये तो बाहर हो गया, ये तो बाहर हो गया. मैंने क्रेनियो टैब का मीनिंग आपको बताया, इसको हमने आउट कर दिया. ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए को हमने बाहर कर दिया. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ए नहीं होने वाला है. देखिए हाइड्रोसिफिलस में आपको पता है कि सीएसएफ का एक्युमुलेशन होता है, तो हमने डी को भी बाहर कर दिया. बदमाश बच्चों, डी को भी बाहर कर दिया. राइट नाउ वी हैव टू ऑप्शन, राइट नाउ वी हैव टू ऑप्शन. यू विल बी सेलेक्ट वन राइट आंसर, वन राइट आंसर, दैट विल बी राइट आंसर. मैं बताता हूं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है इज अ जेनेटिक, इट इज अ जेनेटिक बोन डिसऑर्डर. इसको हम बोल सकते हैं जेनेटिक बोन डिसऑर्डर. बदमाश बच्चों, ये जन्म जात से ही प्रॉब्लम होती है बोन की, जिसको हम लोग ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बोलते हैं. तो देयर इज अ क्रेनियो सिनोस्टोसिस, आपका राइट आंसर है. क्रेनियो सिनोस्टोसिस आपका राइट आंसर है. द प्रीमैच्योर पैथोलॉजिकल क्लोजर ऑफ द स्कल सूचर दैट लीड टू बी द एबनॉर्मल शेप. मतलब टाइम से पहले
यदि आपके सूचर जो है ये क्लोज हो गए, ये क्लोज हो गए तो एक स्कल का जो है डिफरेंट शेप जनरेट होगा, तो इस तरीके इसको क्रेनियोसिनोस्टोसिस बोलते हैं, क्रेनियोसिनोस्टोसिस बोलते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, टाइम से पहले सूचर का क्लोज होना इट कैन कॉज डिफरेंट शेप माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और दैट एबनॉर्मलिटीज वी कैन से क्रेनियोसिनोस्टोसिस। दैट यू अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? तो एक बार फिर से बताइएगा, बनोगे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर? आई आस्क फ्रॉम यू, जो अभी क्लास को वॉच कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के, क्लास में बैठ के, आई आस्क फ्रॉम योर साइड, जिद डाल लीजिए, दिमाग में भी यही डालिएगा, नॉर्सेट के बिना तो जिंदगी अधूरी हो, तो चाहिए बच्चों। तो बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट एक वीडियो है बच्चों, ध्यान से देखना। टेस्टिकल दिख रहे, पेनिस दिख रहा है, यहां पर टेस्टिकल में फ्लूइड एक्युमुलेशन होने की वजह से टेस्टिस जो है वो डायलेटेड हो जाते हैं, पुलिंग आउट हो जाते हैं। फिर से देखना इस वीडियो को ध्यान से, फिर से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, व्हाट विल इंडिकेटिंग, हम क्या बोल सकते हैं, पेशेंट का फ्लूइड जो है वो टेस्टिस में एक्यूमुलेट हो रहा है, और टेस्टिस जो है वो आपको डायलेटेड और एडिमेटस दिख रहे हैं, अब आपके सामने ऑप्शन भी पुट कर रहा हूं, क्या हम इसको ऑर्काइटिस बोलते हैं, ऑर्काइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन, किसमें? इन टेस्टिस, टेस्टिस में इन्फ्लामेशन को ऑर्काइटिस बोलते हैं बदमाश बच्चों। देन इंग्वाइनल हर्निया, में फ्लूड नहीं बढ़ता है, इंटरनल ऑर्गन जो है वो प्रोट्यूड होगा इंग्वाइनल रिंग के द्वारा। देन हाइड्रोसील एक वर्ड आ रहा है, देन वेरी वेरी वेरिकोसील, जो है जो ब्लड वेसल्स है, कौन सी ब्लड वेसल्स बदमाश बच्चों? नियर टू जेनाइटल ऑर्गन, दैट ब्लड वेसल्स गोइंग टू बी डायलेटेड, दैट वी कैन से वेरी वेरिकोसील। अब एक ही आंसर बताया, दैट इज अ हाइड्रोसील, बिल्कुल हाइड्रोसील जो है वो आपका यहाँ राइट आंसर। मैं अभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अ फ्लूइड फिल्ड सैक अराउंड द टेस्टिकल ऑप्शन फर्स्ट नोटिस एज अ स्वेलिंग ऑफ द स्कॉटम, दैट सिंपल वर्ड वी कैन से हाइड्रोसील। मैं अभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो आया समझ में? तो आज की कोशिश थी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के दिमाग जहन में कुछ नया नॉलेज देने की। आपने बहुत प्यार दिया बच्चों, बहुत स्नेह दिया, ये कोशिश आपके लिए मुझे हमेशा मेरी तरफ से जारी रहेगी। अपने आप को बूस्टअप करके रखिएगा, और मैंने शुरू में कहा था कि ऐसा कुछ कर गुजरे जिंदगी में कि दुनिया आपको देख करके आपके नाम से भी उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, और उसके लिए आपको शिद्दत से मेहनत करते रहना होगा। कल फिर मिलता हूँ, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, माँ बाप का रेस्पेक्ट करेगा, बड़ों का आदर करेगा। जय हिंद, जय भारत।